तो गाइस जो आज का हमारा वीडियो है, जैसा कि आपने देखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें, तो मैं आज कुछ जो वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, तो आज मैं जो हमारा टॉपिक आपने देखा हुआ है कि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि फेक चार्जिंग, तो मैं फेक चार्जिंग वो आपके सोल्यूशन तो सारी चीज़ पता है कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हो कि वो फेक चार्जिंग है कि नहीं है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें दो तीन चीज़ जो आपके पास यहाँ पे एक टूल दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं दिखाई दे रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा कि आप एक्चुअल में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे गाइस। तो आज का वीडियो है हम फेक चार्जिंग को कैसे हम फाइंड आउट करें। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, इस स्कमेटिक पोर्ट बोलते हैं इसको 6 in 1 6 USB चार्जर भी बोलते हैं, पर बेसिकली इसका काम क्या है और मैं इसको बताऊंगा। सनशाइन का है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही बेस्ट है, एक हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। बट अगर आपके पास लगता है कि थोड़े बहुत बजट कम है तो आप एक USB टेस्टर आता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा Unit 1 का है USB टेस्टर, आप वहाँ पे दिखाई दे रहे USB टेस्टर। तो अब मैं इसके बारे में भी डिटेल करूंगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़ और हम क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको वीडियो पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखें गाइस। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है हमारा सनशाइन का है स्कीमेटिक पोर्ट बोलते हैं, और ये क्या क्या काम करता है सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें प्लगिंग कर देता हूँ गाइस। प्लगिंग करने के बाद ये इसके वायर हैं, तो मैं इसमें प्लगिंग कर देता हूँ। प्लगिंग करने के बाद हम इसमें सारा आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें हम समझाएंगे। तो मेन जो इसमें टॉपिक था आपको ये भी कवर हो जाएगा कि हम इसको कैसे समझे कि देखिए ये हमारा ऑन हो चुका है। इसमें आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3.0 का भी है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा हो, बाकी हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर साइड में देखोगे तो मैं थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है। मतलब इस जो चार्जर है हमारा, जो ये स्कीमेटिक पोर्ट है 6 in 1 का, ये हमारा जो पोर्ट है ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब वहाँ पे ये होता है कि हमारा कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एम्पियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उसी के छोटे मॉडल को लेकर चलता हूँ, फिर मैं इसको बता दूंगा। इसी का छोटा मॉडल है, तो मैं इसमें फिलहाल अभी चार्जिंग बेसिस यूज़ कर रहा हूँ, बाकी एक चार्जर से भी। तो चलिए मैं इसको चार्जर में ही कनेक्ट कर देता हूँ, बेसिकली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, नहीं तो आप बोलेंगे सर कि आप तो उसमें कर रहे हो। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे इसी को लगा देता हूँ, ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया एक पोर्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी, USB टेस्टर की मैं बात करता हूँ। तो USB टेस्टर में क्या चार चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको इनपुट दोगे और यहाँ से आपका आउटपुट भी आप चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं अपने चार्जर में, डायरेक्ट आप इसको चार्जर में लगा करके सारी चीज़ें चेक हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपको आउटपुट देना होता है, यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा, ये आपको इनपुट देना है। तो इनपुट देने के लिए फिर मुझे इसको लगाना होगा चार्जर में। तो गाइस चलिए थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ, तो मैं फिलहाल यहीं पे लगा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसको जो हमारा है ये आउटपुट देना है आपको, यहाँ से देना है, ये आपको आउटपुट देना है, ये देखिए इस तरीके का आपका आउटपुट बन जाएगा, यहाँ से आपको इनपुट देना है। तो इनपुट के लिए मैं यहीं पर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि चार्जर वहाँ पर दूर है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इनपुट दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसी की बात करता हूँ। देखिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो आपका 1100-1100 रुपये का समथिंग आ जाता है, रेट की कोई बात नहीं है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, आपको यहाँ पे इनपुट देना है आपको, ना कि स्कीमेटिक पोर्ट। मैं फिर से अगेन कर रहा हूँ, इसको आप अभी भूल जाओ, सनशाइन वाले को मैं बताऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ USB टेस्टर के बारे में, ये आपको 200 रुपये से लेकर के भी 800 रुपये तक में भी मिल जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट हो रहा है वो 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे इनपुट हो रहा है, 5.28 वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। नीचे आप देखोगे एम्पियर का ए का साइन आ रहा है। तो फ्रेंड हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और हम स्कीमेटिक डायग्राम से भी, स्कीमेटिक पोर्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ या फिर इसको इसी तरह रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं फ़ोन ले लेता हूँ। अगर आपका फेक चार्जिंग, जैसा कि मैंने बताया कि आप फेक चार्जिंग को कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमारा फ़ोन ओके है, कोई भी इशू नहीं है। तो मैं आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारा फेक चार्जिंग है कि नहीं है सारी चीज़ें। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, अब आप इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि हमारा ये फ़ोन देखिए, अभी मैं पहले चार्जिंग का साइन दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे चार्जिंग का साइन अभी आपको दिखाई देगा, ये चार्जिंग का साइन हमारा आ रहा है, चार्जिंग का साइन होने लगेगा और चार्ज बढ़ने लगेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। ये हमारा चार्जिंग का साइन यहाँ पे,
और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब ये देखिए 2%, क्योंकि पूरा बैटरी लो हो चुका था, यहाँ पे हमारा 2% आने लगा। अब आपको ये पता करना है कि ये फेक चार्ज है, कि इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, कि क्या है सारी चीज़ें। तो गाइस आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा एम्पियर है 1.5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये यूएसबी टेस्टर, ये आपको लगाना है चार्जर में, इसका आप इनपुट देख रहे हैं कि इसको आपको लगाना है चार्जर में, और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं बेसिकली आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, कितने टाइम में क्या चार्ज हो रहा है, यहाँ पे क्या एमएच है, वो सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे शो करता है। तो सबसे पहले ये जो यूएसबी टेस्टर है, यहाँ पे आपका वोल्टेज और यहाँ पे आपका एम्पियर, तो देखिए 1.5, अगर ये हमारा 6.2 पर नहीं जाता या 2 पे रुक जाता, मतलब 0.6 पे रुक जाता, या पॉइंट मतलब कि अगर रुक जाता फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा अभी हमारा ये चार्ज हो रहा है, ये देखिए 1.4 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। आपको यहाँ पे साइन भी दिखाई दे रहा होगा, ये साइन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ज हमारा हो रहा है। अब ऐसे ही एक दूसरा फ़ोन लगाता हूँ, ये मैं निकालता हूँ, और ऐसे ही मैं एक फ़ोन और ट्राई करने के लिए मैंने दो फ़ोन इसीलिए रखा है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा फेक चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारी चीज़ें। ये देखिए चार्जिंग का आइकन बन गया। अभी आप इसमें एम्पियर देखोगे तो 0.6 दिखाई दे रहा है, ये देखिए अगर 0.6 दिखाई दे रहा है, अगर 6 के ऊपर नहीं बढ़ता है आपका 5 वोल्ट तो क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 72% हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर ये 6 पॉइंट या 2.0.2 दिखाता है, 0.3 दिखाता है, या 6 पॉइंट के ऊपर अगर नहीं जाता है, तो वो हमारा फेक चार्ज होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे गाइस कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल में 6.6 ले रहा है सारी चीज़ें। ये एक छोटा सा यूनिट था यूएसबी टेस्टर, बाकी फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपको यहाँ पे स्कीमेटिक पोर्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। अब यही सारी चीज़ अगर आप थोड़ा सा पैसा एक्सपेंसिव करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। बहुत ही हर एक टेक्नीशियन के पास ये होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा, इसमें डेट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें ये पता चलेगा कि हमारा जो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए यही वाला सेम फोन, ये सेम फोन आप दिखाई दे रहा है, इस सेम फोन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस वाले पोर्ट पे। आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 5 वोल्ट आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा देखने को, ये देखिए 5 वोल्ट, और उसके बाद आप देखेंगे 0.9, ये देखिए गाइस 0.9 हो रहा है, और यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, मतलब ये हमारी चार्जिंग सेक्शन ओके है। अगर यहाँ पे 0.6 के ऊपर नहीं बढ़ता, या 6 पे स्टेबल रहता, या 2 पे 3 पे स्टेबल रहता, मतलब वो होता है फेक चार्ज गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये हो रहा है 72%, और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा एम्पियर कंज्यूम हो रहा है 1.1 के ऊपर जाना चाहिए, या फिर 6.19 जा रहा है 0.9, तो हमारा ये काम हो रहा है, मतलब ये हमारा फेक चार्ज नहीं है गाइस। तो आपको ये जो जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, आई होप अगर आपको अच्छी लग रही होगी। यही मैं सेम दूसरे फ़ोन में करता हूँ, ये मैंने लगाया, और ये देखिए कि अभी 0.5 अभी आपको एम्पियर कंज्यूम हो रहा है 0.6, अगर ये 0.6 पे स्टेबल, तो आप जैसे देखेंगे 1.8 आ गया गाइस, ये देखिए 1.8, मतलब एक के ऊपर चला गया। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए 2% चार्ज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर आपको देखने की कोशिश करेंगे आप, तो ये मैं दिखाने की अगर कोशिश करूँ आपको, तो 1.8 देखिए 1.8, और किसी में एम्पियर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इस पोर्ट में लगाया हुआ है, और यहाँ हमारा 1.8 मतलब 6 के ऊपर चला गया, 1.7 मतलब ये हमारा चार्ज हो रहा है। हमारा इस फ़ोन में चार्जिंग का इशू नहीं है, फेक चार्जिंग का इशू नहीं है गाइस। तो ये स्कीमेटिक पोर्ट आप हर एक टेक्नीशियन को लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये फेक चार्जिंग कैसे पता करते हैं, आई होप आपको पता चला हो। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी टेक्नीशियंस भाई हैं जिनको ये पता चले। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि आप इसमें लगाएंगे, आप किसी में भी लगाएंगे, जैसे मैं सबसे ऊपर लगा देता हूँ, तो अभी आप देखोगे फिर से अब यहाँ पे नीचे पे एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि जिस पोर्ट में आप लगाओगे वो पोर्ट आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 0.6 अभी हमारा ये इसी पे है, अभी आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे चार्जिंग का वो बन जाएगा, देखिए 1.9, ये देखिए गाइस 1.9 आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1.9, मतलब ये हमारा फेक चार्ज नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा ये जानकारी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।